See, this practical we have solved in last lecture. Till what? See, sinking fund account. Till what, brother? Sinking fund account. You can see here. What they have asked to prepare? That is 7% debentures that we have made in last lecture. Sinking fund also made. Bacha ke apna, the remaining part is what? Sinking fund investment. Now we're going to make a sinking fund investment. Sab humne kar liya tha last lecture mein. आपने इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वर्किंग नोट भी कर लिया, आपको प्रॉफिट आया था 27,500, एवरीथिंग यू हैव डन, राइट, एवरीथिंग यू हैज डन. सो नाउ आ जाओ. सो क्लियर? सो एवरीथिंग यू हैव डन इन लास्ट लेक्चर. नाउ कंटिन्यू विद द सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट. सो लेट्स गेट रेडी एवरीवन. सो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, तो फॉर्मेट बना लिया आपने सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट अकाउंट, पर्टिकुलर रुपीज. अब देखो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट आपका क्या बेटा? इन्वेस्टमेंट इज एन एसेट हैज विच बैलेंस, डेबिट बैलेंस बडीज, डेबिट बैलेंस. सो डेबिट में लिखो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. सबसे पहला बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्योंकि फंड इन्वेस्टमेंट पहले से दिया है क्या? पहले देख लेते क्वेश्चन में, इज इट गिवन ऑलरेडी और नॉट? यस, इट इज गिवन ऑलरेडी. यू ऑल कैन सी हियर, इट इज गिवन ऑलरेडी डियर स्टूडेंट, इट इज गिवन. व्हाट इज इट? हियर इट इज. देखो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, यू कैन सी हियर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट, दिख रहा है आपको बैलेंस? अब इसमें टोटल आपको देखो नीचे सब कुछ दिया है, एवरीथिंग इज गिवन, ठीक है, सब दिया है आपको. अब इन्वेस्टमेंट कितना किया है आपने, बराबर, तो वो सब टोटल किया तो कितना आया था? इसका वर्किंग नोट भी आपने लास्ट लेक्चर में किया था, तो उसका टोटल कितना आया था आपको? कॉस्ट कितना आया था? 4,31,000. देखो वर्किंग नोट में देखो पूरा कॉस्ट है आपके पास 4,31,000. आप ऐसे भी निकाल सकते हो ना, देखो इधर 1,70,000, 1,85,000, फिर आपका एक और एक्स्ट्रा कॉस्ट ऊपर वाला भी है ना, 76,76. टोटल करके कितना आया था? टोटल 4,31,000 किया भी है लास्ट लेक्चर में वर्किंग नोट में, ठीक है. तो वही नोटबुक में जो आपने नोट डाउन किया उसको रेफर करो, तो 4,31,000 इज व्हाट आवर सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट बैलेंस, राइट. सो दैट वाज आवर बैलेंस. सो बैलेंस है तो भाई बैलेंस ब्रॉट डाउन करो, इधर फंड इन्वेस्टमेंट का बैलेंस है तो बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, राइट. सो कितना है बेटा? 4,31,000. ओके, 4,31,000. इट क्लियर? चलो ये आपका ओपनिंग बैलेंस है, ओके. अब आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है जरा देख लेते हैं. सी नाउ सी बेटा, अब आपको पता है कि आपने इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया, ठीक है, इन्वेस्टमेंट को सोल्ड किया, उसका वर्किंग नोट हमने पूरा लास्ट लेक्चर में किया है. सोल्ड किया तो प्रॉफिट हुआ था, प्रॉफिट कितना आया था? 27,500. उसका पूरा वर्किंग नोट हमने लास्ट लेक्चर में किया, तो चलो एंट्री पास कर देते हैं उसकी. बेटा इन्वेस्टमेंट अगर सोल्ड करेगा तो इन्वेस्टमेंट गया, और इन्वेस्टमेंट गया तो कौन सा बैलेंस? क्रेडिट बैलेंस, मतलब क्रेडिट साइड में दिखेगा, इधर क्रेडिट साइड में भाई इन्वेस्टमेंट गया ना, तो क्रेडिटेड इन्वेस्टमेंट गया. सो बाय, अब इन्वेस्टमेंट गया तो क्या आ रहेगा आपके पास? बाय बैंक, कॉमन सी बात है. सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट लिखेगा नहीं. सो इन्वेस्टमेंट गया तो आया क्या आपके पास? बैंक बैलेंस, मतलब पैसा आया, राइट. तो ब्रैकेट में दिखा देता हूं, इन्वेस्टमेंट सोल्ड, अमाउंट इज व्हाट? सोल्ड का अमाउंट कितना था आपने देखा? 4,58,500. तो वो अमाउंट आपको दिखा देना इधर, 4,58,500. दैट इज बाय बैंक, क्लियर, राइट. 4,58,500 बाय बैंक, 4,58,500. नाउ ये तो हो गया बाय बैंक. अच्छा, सोल्ड करने पे आपको हुआ क्या था? प्रॉफिट. बेटा प्रॉफिट हुआ तो कॉमन सी बात है, प्रॉफिट होगा तो इन्वेस्टमेंट, नॉर्मल सी बात है, डेबिट बैलेंस विल राइज. प्रॉफिट हुआ है इन्वेस्टमेंट पे, प्रॉफिट हुआ है, इन्वेस्टमेंट का कौन सा बैलेंस होता है? डेबिट. इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, राइज होगा तो डेबिट बढ़ेगा, तो प्रॉफिट होगा तो एक तरह से राइज ही हुआ ना यार, राइट. तो डेबिट में दिखा दो तू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, राइट है, मालूम पड़ा? जो हम लोग किधर ट्रांसफर करते हैं? सिंकिंग फंड में. लास्ट लेक्चर में किया था ना, प्रॉफिट हुआ अगर सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट पे तो वो प्रॉफिट आपको सिंकिंग फंड में डालना है, तो डेबिट में लिख देना टू, जो प्रॉफिट हुआ है वो सिंकिंग फंड में ट्रांसफर किया है,
क्या है ये? प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट बराबर है बेटा। चलो व्हाट इज द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट? 27,500। वर्किंग नोट किया था आपने लास्ट लेक्चर में, देखो उधर आपका कॉस्ट पूरा 4,31,000 था, सेल करके आपको कितना अमाउंट मिला था? 4,58,500। तो प्रॉफिट आ गया आपको कितना? 27,500। सो योर प्रॉफिट अमाउंट इज व्हाट? 27,500। दैट्स इट बैरिस, 27,500। गैरेज क्लियर? चलो तो ये हो गया टू सिंकिंग फंड। अब बच्चों सुनो, अब क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? सी हियर, देखो इधर देखो, ऑन द वेरी सेम डे, बराबर ऑन द वेरी सेम डे 8% मून लैंडिंग इन्वेस्टमेंट, बट ऑन द वेरी सेम डे 8% मून लैंडिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज, व्हाट इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज? 1 lakh। मून लैंडिंग इन्वेस्टमेंट ऑफ रुपीज 1 lakh वर परचेज, उसको आपने खरीदा, परचेस किया एट अ प्रीमियम ऑफ 3%। कितना परसेंट प्रीमियम पे? 3% प्रीमियम पे। तो मतलब एक नया इन्वेस्टमेंट और किया आपने, न्यू इन्वेस्टमेंट मेड। तो अमाउंट कितना है उसका? 1 lakh, बट आपने 3% प्रीमियम पे खरीदा, एक्स्ट्रा पैसा दिया। तो 3% बोले तो कितना? बोले तो 3000। तो 3% दैट इज 3000 मींस आपके इन्वेस्टमेंट का कॉस्ट बोले तो कितना हो गया? 1,03,000। यस दैट्स इट। सो योर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट इज व्हाट? 1,03,000। दैट्स व्हाट योर इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, रिमेंबर इट। ओके, सो ये अपना न्यू इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टमेंट होगा तो बेटा इन्वेस्टमेंट का डेबिट बैलेंस तो डेबिट में दिखा दो। डेबिट बढ़ेगा, नॉर्मल सी बात है, इन्वेस्टमेंट असेट है तो डेबिट में ही आएगा। अब डेबिट में दिखा देना, क्या दिखाना है बच्चों? यस, आपने इन्वेस्टमेंट किया है सो वो डेबिट में दिखाओ। अब सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट में तो सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट लिखेगा नहीं, तो इन्वेस्टमेंट किया तो क्या गया रहेगा? मतलब क्या गया रहेगा? पैसा टू बैंक। भाई इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया तो बाय बैंक, क्योंकि इन्वेस्टमेंट जा रहा है, इन्वेस्टमेंट तो जा रहा है लेकिन पैसा आ रहा है, राइट। और इधर इन्वेस्टमेंट परचेस किया तो असेट बढ़ेगा तो डेबिट में, राइट है। और इधर हो जाएगा टू बैंक, मतलब पैसा गया। तो सेल करेगा, इन्वेस्टमेंट सेल करेगा तो क्रेडिट, इन्वेस्टमेंट सेल किया तो क्रेडिट लेकिन पैसा आएगा बैंक अकाउंट में डेबिट। इन्वेस्टमेंट परचेस करेगा, इन्वेस्टमेंट परचेस करेगा तो बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा, मतलब बैंक क्या हो जाएगा? पैसा जाएगा ना, दिख रहा है? टू बैंक। भाई अगर इन्वेस्टमेंट परचेस करोगे तो इन्वेस्टमेंट तो बढ़ जाएगा तो इन्वेस्टमेंट के अकाउंट में डेबिट, लेकिन इन्वेस्टमेंट खरीदने के लिए पैसा तो देना पड़ेगा, पैसा जाएगा तो पैसे को क्रेडिट करने का, तो जब बैंक अकाउंट बनाओगे तो उसमें क्रेडिट दिखाने का, बस खत्म, सिंपल। तो याद रखेगा, इन्वेस्टमेंट सोल्ड किया तो बाय बैंक, इन्वेस्टमेंट परचेस किया तो टू बैंक, बस। तो दिस इज व्हाट इन थ्री फॉर व्हाट? इन्वेस्टमेंट परचेस, राइट, परचेज ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट, purchase of investment and the amount is what? See, amount mein dikha deta hai idhar, 1 lakh is the amount plus at 3% premium we have purchased it at 3% premium, so it will come 1,03,000. 1,03,000, that's it, barabar, clear? Chalo अभी टैली कर लो फिर बच्चों। अभी अगर आप टैली करेगा तो देखो 4,31,000 प्लस 27,500 प्लस 1,03,000, इसका टोटल मारो और ये साइड का टोटल, तो विच साइड इज हैवियर? डेफिनेटली डेबिट इज हैवियर। तो कितना रहा डेबिट साइड? 5,61,500। 5,61,500, परफेक्ट, 5,61,500 में से माइनस कर देना अपना 4,58,500, तो जो भी बैलेंस आएगा दैट विल बी व्हाट? बैलेंस कैरीड डाउन, मतलब इतना इन्वेस्टमेंट अपने पास बचा है अभी, कैरीड डाउन, बराबर। सो
by balance carried down. Much it is 1,03,000. That's it. That's done. Finish. बराबर हो गया, अपना सिंकिंग फंड इन्वेस्टमेंट भी हो गया, तो इधर अपना ये सम भी कंप्लीट हो गया. बराबर क्लियर है, पक्का? चलो ये हो गया अपना ये सम फाइनली कंप्लीट.